विशेष करके पांच उनका भक्त यहाँ पर जन्म हुए, उनका पांच विशेष करके भक्त हुए हैं यहाँ पर। कहती एक तो गौरदास पंडित और सूर्यदास सरखेल, कहती ये पांच भाई थे। कहते पांच भाई, पांच भाई में ये गौरदास पंडित कहते कृष्ण लीला में, कहती ये सुबल सखा है। कहती ये सुबल सखा कौन है? कहते कृष्ण का सखा में भी कुछ कैटागोरी है। कहती ये जो सुबल सखा है, कहती ये प्रिय नर्म सखा। प्रिय नर्म सखा का मतलब होता है जिनको अंतर में कुछ श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस। इसलिए श्रृंगार रस होने का नाते इसलिए ये महाप्रभु का अत्यंत अत्यंत प्रिय है। इसलिए यहीं पर श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने बहुत दिन तक यहीं पर रुके। So here, this is the place, five associates of Mahaprabhu appeared here. So, I mean, Surjada Sankal and Gauridas Pandit was two brothers, and apart from that, they have three more brothers. So, Gauridas Pandit is Shubal Shaka in Krishna's pastime. So, Shubal Shaka is a special category of Shaka who helps in the Madhurya Ras. So, it's called Priyanarma Shaka. So the special significance is he got the complexion and beauty like Radharani, and he also assist in the Madhurya Ras pastime. So he is very dear to Mahaprabhu. इसलिए कभी कभी कहते ये सुबल सखा कभी कभी ऐसे होता था, इधर सुनो तो। इसलिए सुबल सखा कभी कभी होता था जब कृष्ण राधा रानी से मिलना चाहते हैं, कभी कभी कृष्ण इतने राधा रानी से मिलने के लिए उनको उत्साह होता था कि राधा रानी के विरह में खूब दुखी हो जाते थे। लेकिन जो प्रिय नर्म सुबल सखा राधा रानी को साथ में मिलाने में मदद करता था, क्योंकि सुबल सखा का फेस और राधा रानी का फेस करके एक ही देखने में। इसलिए कृष्ण ये सुबल सखा को भेज देते थे किसी तरह से राधा रानी को ला कर मिलाओ। अभी सुबल सखा क्या करता था, पहुंच जाता था चाबट, चाबट जा करके बोलता था, अब देखो इतने में जटिला कुटिला जानते हो? कहते सास राधा जी का साथ जटिला और कुटिला। जटिला कुटिला मतलब क्या? जटिला मतलब जट पकाना, कुटिला मतलब कुटकुट करना। क्या बात है, कहाँ गई थी, किस लिए? कहती ऐसे क्यों है? कहती ये योग माया ने, जैसे अगर स्वाभाविक रूप में अगर किसी प्रिया प्रियतम में मिलन हो जाए ना, कहते मिलन का उत्कंठा नहीं रहता है, इसलिए योग माया ने जान बुझ कर उन्होंने जटिला कुटिला को बनाया, जैसे राधा जी को साथ में कृष्ण का सहज में मिलन नहीं हो। क्योंकि जो सहज मिलन है, जो परज्ञा भाव में दुर्लभता निवारणता, उसमें एक चीज होता है दुर्लभता, जो वस्तु दुर्लभ है वो बड़ा वस्तु होता है। इसलिए ये योग माया ने सब काम किया, जटिला और कुटिला आयना को उसको बनाया, राधा जी को साथ में सहज में मिलने नहीं देती। तो अगर सहज में मिल गया तो बात हो गया, प्रेम खत्म हो जाएगी। इसलिए जब सुबल से काम वहां पहुंचता, जटिला क्या बात है, तू किस लिए आए? बोला हमारा कहीं बछड़ा घूम गया है, कहीं जा, बोला अंदर में चली जाओ। वो जा करके राधा रानी को बोलते, देख राधा कृष्णा तुम्हारी विरह में प्राण छोड़ने वाले, अभी अभी जल्दी जा तो कृष्णा प्राण छोड़ देगा। बोले क्या किया जाए? बोले तू मेरे ड्रेस को पहन लो, तेरे ड्रेस मैं पहन लेता हूँ। और पहन करके एक बछड़ा को गोद में ले लेता था, और राधा रानी लेने पर पता नहीं चलता ये पुरुष ना स्त्री, और राधा जी का ड्रेस पहन करके सुबल रह जाता था, और राधा रानी सुबल का वेश धारण करते हुए बास निकल आते थे। बोले बछड़ा मिल गया, बोले बछड़ा मिल गया, जटिला कुटिला को समझ में नहीं आता था। इतने में राधा रानी आकर कहती है, देखो राधा रानी से तो मिलना बहुत कठिन। फिर कृष्ण बोलता, अभी तुम्हें प्राण छोड़ना। तब उन्होंने इतने में उन्होंने ये उतार देते, बछड़ा को उतार देते, तो फिर पता चलता है इसने मंदिर राधा रानी। बोले सुबल सखा इतने प्रिय है जो कि ये काम करता था राधा रानी के इसे कृष्ण से मिले, ये काम करता था, इनकी फेस इसलिए प्रिय नर्म सखा है। सो सुबल सखा's फेस एंड कॉम्प्लेक्शन रिजेंबल्स विद राधा रानी। सो व्हेन कृष्णा फील्स डीप सेपरेशन फ्रॉम राधा रानी, ही यूज्ड टू टेक हेल्प फ्रॉम सुबल सखा। So he once he was feeling a deep separation and he was telling, oh Shubal, I will leave my life because I am not able to meet Radharani. Then Shubal told that, okay, I will do something. Then Shubal went to Javat and to meet Radharani there. So there then Jatila and Kutila comes and they are coming and telling, why you have come here, what is the need? So Gurudev is telling the significance of Jatila and Kutila. So there are four moods in the Parakya Ras, in the Paramour love, that Durlavata, Nivaranta, Pamuta and Prachanna Kamukta.
So if there is no obstacle, if it's a free-flowing meeting, then there is no feeling of separation, and this mood cannot be enhanced. So there should be an obstacle created. So by the mercy of Yogamaya, this obstacle has been created in the form of Jatila and Kutila. So Jatila is the most complex person. The meaning of Jatila is, and Kutila means who creeps too much, irritating. So what did you say? Jatila is the complex. The most complex person. Kutila is somewhat, she creeps more and she irritates. She will ask those kind of questions which is you don't like, and then she will continuously disturb Radharani asking where did you go and all those kind of questions. So this is the Jatila and Kutila, and then they told Shubal, oh, why you have come here? Then Shuvalshaka told that, oh, I lost my calf, he might have come here somewhere, so I have to go and find. Then they allowed him, he went into the Radharani's room, and he told the message that Krishna is feeling a deep separation. And he exchanged the clothes with Radharani, and he took the Radharani's sari and sitting there, and Radharani took his dress. And she came out with the calf. So then she reached to Krishna, and she was telling in the voice of Shubal that, oh Krishna, it is very difficult to bring Radharani. Okay, then Krishna thought that, oh, it's Shubal Shaka came back and he could not bring Radharani. So Krishna told that, okay, I will leave my life then. Then immediately Radharani kept the calf down. So Krishna understood that she is Radharani. So it's his role to assist in the Madhurya Ras, in the meeting for Krishna and Radharani. So that is the Priya Narma Shakamini. Yeah, this is the kata isliye Subal Sakha samjho, wo kitne Krishna ka kitne wo antaranga sakha hai. Isliye Mahaprabhu jab yahan par aate the, tab Mahaprabhu inko saath mein yahin par raha karte the. और महाप्रभु किस तरह से जाने नहीं देते थे, जब तैयार होते जाने के लिए तब कुछ ना कुछ बहाना बना देते थे, इसलिए बोले कल चले जाना, जब कल आ जाए बोले ना, पर और कल जाए, इसलिए बोले काल ना, कल जाए बोले ना, इसलिए काल ना ना पड़ गया। और कभी कभी ये रोज महाप्रभु के लिए इतने तरह तरह का अन्न व्यंजन बनाया करते थे, इतने तरह तरह का। महाप्रभु बोलते थे, अभी तुम वृद्ध हो गए, इतने तरह तरह का क्यों बना रहे हो? बंगाल में ना अब किस घर में खाने के लिए जाओगे, एक दाल एक सब्जी नहीं दे देंगे, पांच छह तरह का तो भाजी होगा, साग तीन चार तरह का होगा, दाल तीन चार तरह का बनाएंगे, हैं? इतने खाने पीने में इतने, इसलिए बंगाल में बहुत तरह तरह का खाना। इसलिए भक्त विनोद ठाकुर ने एक भजन गाए, भज बाला श्री गौर हरि, उसमें सब बताया कि राधा रानी कितने तरह तरह का बनाया करती थी कृष्ण के लिए, तरह तरह का। महाप्रभु बोलते थे, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। बोले तुम इतने तरह का क्यों बनाए? अरे एक दो तरह का बना दो चल जाएगा। बोले प्रभु आज खा लो, कल नहीं बनाऊंगा। ये प्रेम गाय के स्वभाव है, ये प्रेम गाय के स्वभाव है। आप जिसको तुम्हारे घर का दामाद आए ना, कितने तरह का बनाते हो, तो उससे यहाँ तक नकली प्रेम है, असली प्रेम तो भगवान में है। इसलिए तरह तरह का उनके रोज लड़ाई होती थी, इसलिए ना ना काल ना ऐसे बोलते थे। लास्ट में बोले ठीक है, अभी तुम्हारा लिस्ट फिर उन्होंने विग्रह बनाए, विग्रह बनाकर जब ऐसे जो विग्रह बनाए, बोले बताओ नीम काट में बताओ विग्रह रखोगे, तो नीम विग्रह बनाया और फिर चार पत्ता उन्होंने दिया, चार पीढ़ी दिया, और एक साथ में जो विग्रह महापुरुष नित्यानंद एक साथ में खाना खाए, एक साथ में उन्होंने खाना खाए। इसलिए बोले बताओ किसको तुम रखना चाहते हो, विग्रह ना हमको, बोले विग्रह से क्या जरूरत, आपकी रखूंगा। कितने विग्रह चलना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया ठाकुर विग्रह, स्वयं लकड़ी का जो विग्रह, इतने बोले ये तो विग्रह बन गए, वो तो चले जा रहे। बोले रुको रुको कहाँ जा रहे हो? बोले तुमने हम रख लिया ना। बोले वो तो विग्रह बनेगा, आप रुको। उनको जब रखते ना फिर ये चलना शुरू कर दिया। तो लास्ट में बता, ये बताओ तुम किसको रखना चाहता हो? तो उन्होंने बोले आपको ही मैं रखना चाहता हूँ, स्वयं महाप्रभु नित्यानंद प्रभु यहाँ स्वयं रुक गए। इसलिए हम तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को देखे ही नहीं, देखे हो नहीं देखे? कहते ये जो विग्रह है, इनको जो दर्शन करता है, साक्षात महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दर्शन साक्षात रूप में उनका दर्शन हो जाता है। क्यों? यहीं पर उन्होंने रुके और विग्रह यहाँ से चले गए।
इसलिए ये स्वयं ही जो विग्रह नहीं, ये साक्षात रूप में महाप्रभु नित्यानंद गुरु का दर्शन करने का फल मिलता है। When Mahaprabhu used to come here, he has to stay. And Gauridas Pandit used to make so much of excuse when Mahaprabhu want to say that, okay, I will go tomorrow. So tomorrow means kal and no means na. So when he used to tell that, okay, I will go tomorrow, then Gauridas Pandit used to make so much of excuse and say, no, don't go tomorrow. Kal na, don't go tomorrow. And he used to cook for almost the entire day, and he used to make a grand feast for Mahaprabhu and Nityananda Prabhu every day. In Bengal, generally, we have grand feast, like several varieties of item will be prepared, like so many types of rice, then saag, then dal, and so many sweet, so many preparations. So every day he used to cook in his own hand and he used to serve. So when Mahaprabhu saw that, okay, there is no way to go from here. Sometimes Mahaprabhu became angry. Well, you are become old. Why you are making so many kind of preparation? Today I don't want to eat. Then tell, oh Prabhu, today you can eat. Tomorrow I cannot make any kind of preparation. Today you can eat. When again tomorrow, then is the whole day, whole day. Then you start making many kind of preparation. So Bhakti Manohar Thakur, Mat Bhajya Bhakata Vatsala Sri Gaura Hari. This Kirtan, there is the explain Radharani how many kind of preparation making for Krishna. There everything explained. And Chaitanya Charitamrita, if you saw, there are many kind of preparation they are offering to Krishna Radharani. So Bhala. So he made the deities. The deities made of the Nimu. So he offered the preparation to the deities, two deities, Nityananda Prabhu and Mahaprabhu, and original Nityananda Prabhu and Mahaprabhu. So all four of them took offering accepted at the same time. And then he told, okay, whom you want to keep? Then he told, oh, I don't want to keep the deity. I want to keep the Mahaprabhu and Nityananda Prabhu. Then this deity started walking. So Gauridas Pandit saw that, okay, they are going. Then he told, no, don't go. So you stop, you don't go. Then when deity stops, then Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, they started walking. So like that, he was juggling and he was trying to stop all four of them. So that's the, Gurudev is telling that if somebody Now Mahaprabhu asking, now tell what you want. You want us, and you want this deity. Well, yeah, I want you, not I want deity. Then what happening? Mahaprabhu Nityananda Prabhu himself, they are stay here. And these two deity run from to here. So telling, Gurudev telling, when this you are did not serve to Mahaprabhu Nityananda Prabhu. Gurudev telling, if you take darshan of this deity, then you can take direct darshan of Mahaprabhu and Nityananda Prabhu. When you take darshan of this deity, why? Mahaprabhu Nityananda himself there stay here, and deity is the. So in all other places you are seeing the deity, you are not seeing the original Mahaprabhu and Nityananda Prabhu. But in this place, original Mahaprabhu and Nityananda Prabhu is there, and deity moved. So deity has gone. So here, seeing Nityananda Prabhu and Mahaprabhu here is original. It's not deity. So you get the fruits of taking the darshan. Some 500 years back. बोले सच्चिदानंद गौर हरि की। इसलिए श्री महाप्रभु कहते हैं विग्रह न तुम साक्षात ब्रजन नंदन। इसलिए महाप्रभु कहते हैं विग्रह नहीं है, ये साक्षात महाप्रभु जब जगन्नाथ को दर्शन करते थे, दर्शन करते सोचते साक्षात भगवान है। इसलिए बोले आठ तरह का भागवत में, आठ तरह का भगवत स्वरूप बताया गया, आठ स्वरूप का। इसमें एक मिट्टी का, एक रेती का, एक अष्टधातु का, एक सोने की, एक दारू ब्रह्म की, और एक लिखने का जो, और एक मनमयी। हाँ, इसको आठ तरह का बताया गया अष्टधातु में। आठ में कहते ये जो विग्रह है ये दारू ब्रह्म विग्रह है। So there are Mahaprabhu told that deity is not original, ordinary. It's Sakshat Brajendranandan, means he is the Krishna himself. So we should not consider deity as a deity, it's Krishna himself. So in scriptures it has been told that deity can be made with eight type of forms, like by sand, by clay, by wood,
and by scripture, then the eight metal alloys, mindly creation of the deity, the letters like Krishna, the word is also. So this is the form of Daru Brahma. Daru means the wood and Brahma means Brahma. So this is the form of the wooden deity. कहते यहाँ पर जो बारंबार ये दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं बल बता क्यों why they are shutting up the doors again and again. हाँ कहते इसका अंदर में रहस्य है. हाँ कहते ये केवल ये दो जगह में भारत में दो जगह में केवल ये चीज़ आप देखने को मिलेगी. एक बांके बिहारी और एक मंदिर. So in two places in India you can see that one is the Bakke Bihari temple in Vrindavan and another is here. Kalka ke why they are doing like this, you know? प्रभु जी टेलिंग दिस फर्स्ट टाइम है ना. जिस समय महाप्रभु का तिथि आया, एक समय गौरदास पंडित यहाँ से चले गए थे इस काम के लिए. अभी महाप्रभु का तिथि, उसमें सारे वैष्णव को निमंत्रण देते हैं, कीर्तन करते, उत्सव करते. इसलिए नियम बताया, श्री हरि भक्ति विलास में बताए, जब कोई तिथि आता है जैसे राधा जी की जन्म उत्सव, कृष्ण का जन्म उत्सव, गुरुदेव का जन्म उत्सव, ऐसे नहीं सुखा सुखा नहीं, खुद जब खाओगे चक्कर माल गोट कर खाओ, अपना बेटा का शादी होगा अपना बर्थडे में तो बनाएंगे नहीं, उस जैसे बनाते, इसलिए भगवान की तिथि में भी ऐसे बनानी चाहिए, कीर्तन अनुष्ठान करनी चाहिए, नहीं तो उसको अपराध लगता है. देखा गुरुदेव चले गए, अभी तक आए नहीं, तो उन्होंने वैष्णव लोगों को निमंत्रण दिया, गुरुदेव आए आए नहीं, तो वैष्णव लोगों को निमंत्रण दिया, निमंत्रण दे करके वैष्णव को बुलाया, कीर्तन, महाप्रभु का जन्मोत्सव मनाएगी. इतने में तो गुरुदेव आ गए. जब गुरुदेव आ गए बोले तुमने मेरे को पूछा नहीं, बिना पूछे तुमने क्यों किया काम को, इसलिए गुरुदेव तो बिगड़ गए. बिगड़ बोले चले यहाँ से निकल जाए, यहाँ से करा जरूरत नहीं. लेकिन गुरु भी साधारण नहीं, शिष्य भी साधारण नहीं, कुछ शिक्षा देने के लिए इसको काम उन्होंने किया है, कुछ शिक्षा देने के लिए, क्योंकि दोनों ही पहुँचे हुए उत्तम वैष्णव है. जब निकाल दिया तो उन्होंने सवेरे जब दरवाजा खुला देखा ठाकुर गई, तो ठाकुर कहाँ चले गए, उन्हें ढूंढ रहे हैं ठाकुर कहाँ. इतने में हाथ में एक लठिया लेकर ढूंढ रहे हैं, देखा उनके जो शिष्य थे हृदय चैतन्य, वो जो जहाँ पर गंगा किनारे में पार हुई वहीं पर उन्होंने चले गए, वहीं पर महापुरुष नित्यानंद वहीं पर चले गए. और जा करके उनके साथ में कीर्तन हो रहा है, वो नाच रही कीर्तन में, उन्हें हृदय चैतन्य ढूंढ की. हमारे गौरदास पंडित सुबल सखा है ना, प्रिय नर्म सखा, सखा सखा में तो बड़ा प्रेम है, कभी इनको कंधे पर चढ़ता कंधे पर चढ़ता है सख्य भाव है. इसने डंडे लेकर के जा रहे थे, गए कहाँ, और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दूर से देखा, गौरदास सखा लगते हैं ना, कभी कभी सखा लगे सखा पिटाई भी कर देते हैं, इसलिए उन्होंने देखा ये तो डंडा लेकर के आ रहे हैं. और उन्होंने क्या किया, दोनों महाप्रभु नित्यानंद प्रभु चैतन्य का हृदय में स्वयं ने प्रवेश कर गया. गुरुदेव दूर से देखा, अरे ठाकुर मंदिर छोड़कर इधर आ गए और इसका हृदय में प्रवेश कर गए, पर समझ गए ये शिष्य कोई साधारण शिष्य नहीं, शिष्य वो शिष्य है जो गुरु जी का हृदय अपने आप उनके हृदय में प्रतिफलन होता है स्वाभाविक रूप में. ये केवल जगत को शिक्षा देने के लिए उन्होंने किया, इसलिए उनका नाम पड़ गया हृदय चैतन्य नाम पड़ा. इसलिए तब से ये मंदिर में दरवाजा को क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, खोले. बोले क्यों, बोले ठाकुर का प्रति अगर प्रेम कब होता है, जो आंखों में आंख मिलाओ ना ज्यादा समय तो प्रेम होता है. इसलिए कहते ये ठाकुर फिर भाग नहीं जाए मंदिर से, इसलिए एक आंख से दर्शन करने के लिए नहीं देते, क्योंकि ये जो ठाकुर जी वो बड़े प्रेम का ठाकुर है, इसलिए एक नज़र से दर्शन करने नहीं देते. सो वंस गौरीदास पंडित वॉज आउट ऑफ स्टेशन एंड दैट वॉज द ओकेशन ऑफ गौर पूर्णिमा. सो हिज डिसाइपल हृदय चैतन्य ही कॉल्ड ऑल द वैष्णव एंड हैड ए ग्रैंड सेलिब्रेशन. So Gurudev is telling that in every appearance day of like Krishna Janmashtami, Gaur Purnima, Radha Ashtami, we should have a grand celebration. Like this, our when our Guru Varga, Kavi birthday, disappearance day, appears day. So even for Vaishnava's appearance day and disappearance day, and Radharani and Krishna, Vishnu Dakta's appearance day, we should have a grand celebration. So every day, every day, what you offer to Krishna, what you offered, when came that day you try making some special thing for them, special thing, and bringing some garland offered to Krishna, Guru Varga, this is the rule. If not do this thing, so Hari Bhakti Vilas Sri Sanatana Goswami telling, kati ye aparadha lagta hai, it will be offense, this is the offense, kati ye kripanata hai, kati artha rahate huye bhi, हम उसको भगवत सेवा में नहीं लगाते, कहती है वित्त साठ्य दोष लगता है, वित्त साठ्य दोष है.
So if Haribhakti Vilas Sanatan Goswami is telling, like you are doing some general Seva Puja every day, you are having a general offering, but on those days you should have a special offering. Even Vaishnava's appearance day, disappearance day, Vishnu Tattva's appearance day, Radharani's, Adar Shakti's appearance day. So you should have a special offering. If we have money, but if we are not doing this, then Sanatan Goswami is telling in Haribhakti Vilas, there will be an offense. So that you have money but you are not offering, so there will be an offense. So like that he was having a grand celebration. Then his Gurudev came on that day and he saw that, okay, there is a big festival going on. Then he asked, what happened? Who did that? Then he chastised Hridaya Chaitanya, why did you do that without my permission? Did I tell you to do this? You get lost from here, get out. Then he has sent him back, he has sent him out from this place. Once he has gone out of this place, the next day morning, Gauridas Pandit is seeing that Thakurji is not there, the Mahaprabhu and Nityananda Prabhu is not there. Then he, with a stick, he went to search, because he is a Priyanarma Shaka, he is having the Shakkarosh. The Shakkarosh, the mood is that he is having somewhat a controlling nature, so he can chastise Mahaprabhu and Nityananda Prabhu as he is their friend. So he went and searched and he found that near the bank of Ganges they are doing Harikirtan. And he saw that Hridaya Chaitanya along with Mahaprabhu and Nityananda Prabhu, they are doing Kirtan. But he wanted to chastise Nityananda Prabhu and Mahaprabhu this time. He was running towards them with a stick. Then they entered into the heart of Hridaya Chaitanya. Then he realized that, okay, he is a great disciple. Yes, so why these doors they close frequently? Because, okay, the nature of prem is love is that if you look at somebody's eyes and if you continue to do that, there is a chance that you will fall in love. So that's the reason. This Thakurji is for mainly Premavatar. He is for the prem only. So if somebody looks at the Mahaprabhu's eyes and Nityananda Prabhu's eyes, so it is obvious that he will fall in love and then Thakurji will come with you. So that's the reason they will close. They will not allow you to see the Thakurji directly, I mean for long time. And here too, some special thing here. Two here special thing. महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जो पार हुए गंगा को वो एक चाप उसको पार चापू हाँ और उन्होंने अभी उन्होंने वही चापू को उन्होंने दे कर गए गौरदास पंडित को बोले इससे तुम जीवों को भवसागर से पार करना नहीं तो गंगा पार करता तुम भवसागर से पार करना और महाप्रभु का हाथ का जो लिखा हुआ जो गीता है उन्होंने गौरदास पंडित को दिया था वो गीता भी यहाँ पर रखी हुई दो चीज जो महाप्रभु का स्वयं डायरेक्ट दो चीज यहाँ पर है. So this is a special place because Mahaprabhu has given two very special gifts to Gauridas Pandit. One is when they were crossing the river and coming here, Mahaprabhu and Nityananda Prabhu, what is called that stick, they will row the boat. So that stick he has given to Gauridas Pandit saying that like how I cross the river, you can make the jivas pass this Bhavashagar from this materialistic ocean. So you can deliver them. And also he has given his own handwritten Bhagavad Gita. So you can see here the Mahaprabhu's handwritten Bhagavad Gita. That is the second gift he has given to Gauridas Pandit. So this is very special. So now we will see these two gifts. And kate us taraf mein Sri kya? Janava Vasudha. Surjidas sir khel. Kate is side mein unka aur dono beti ka hai. So that side you can see Surada Circle, the brother of Gauridas Pandit and his two daughters, Jannava and Vasudha, the two wife of Nityananda Prabhu. Yeah. Now you can take darshan, okay? This and Gita. Gaur Brahman Dariya. Hariya Prasad ko sab ka haath de denge. Chalo, chalo, chalo. Pakadu isko. Aa jaa.